सबको नमस्कार। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इस पे हम रात दिन लगे हुए हैं और कुछ जो अहम कदम उठाए गए हैं वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। ये देखने में आया है कि केंद्र सरकार ने जितनी ऑक्सीजन हम लोगों को अलॉट की है, हमें एलोकेशन की है, वो भी उसको भी हमें रिसीव करने में परेशानी इसलिए हो रही है कि टैंकरों की बहुत कमी है। चारों तरफ टैंकरों की कमी है। ऑक्सीजन तो फिर भी इधर उधर मिल जाती है, लेकिन टैंकरों की बहुत कमी है। तो दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर इम्पोर्ट करने का निर्णय लिया है। ये टैंकर कल से आने चालू हो जाएंगे और केंद्र सरकार से हमने इसके लिए एयरफोर्स के प्लेन्स देने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनका काफ़ी सकारात्मक रवैया रहा है। बातचीत चल रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि बातचीत सफल रहेगी। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है इसमें। तो अगर 18 टैंकर बैंकॉक से कल से आने चालू हो जाएंगे, वो 18 टैंकर आ जाते हैं, तो जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की परेशानी आ रही थी वो परेशानी दूर हो जाएगी और हमें अपनी पूरी ऑक्सीजन मिलनी चालू हो जाएगी। दूसरी कि फ्रांस से हम लोग 21 ऑक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं। रेडी टू यूज़ प्लांट्स हैं ये और तुरंत इनका इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है। इससे भी इनको 21 ऑक्सीजन के प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में लगा देंगे, तो उन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। पिछले 4-5 दिन में मैंने देश के कई उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखी थी, मदद मांगी थी। देश की सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी थी, उनसे मदद मांगी थी और हमें बहुत ज़बरदस्त सहयोग मिल रहा है। बहुत लोगों के ऑफ़र आए हैं, उन सब के साथ बातचीत चल रही है। बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं बड़ी तेज़ी के साथ। उनमें से कई लोग मदद कर रहे हैं, बस उन्होंने एक मोस्टली लोगों ने एक ही शर्त रखी है कि हम अपना नाम नहीं बताना चाहते, हम आपकी वैसे ही मदद करेंगे। ये तो और भी बड़ा बड़प्पन है। हमारे कहते हैं ना कि जब आदमी किसी की मदद करे तो दाएं हाथ से मदद करे तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि उसने मदद की है। इस एटीट्यूड के साथ हमारे सब लोग मदद कर रहे हैं। मैं उन सारी सरकारों का, सभी मुख्यमंत्रियों का, सभी उद्योगपतियों का, सभी समाजसेवी संस्थाओं का, सभी धार्मिक संस्थाओं का जो बढ़ चढ़ के दिल्ली के लोगों की और दिल्ली सरकार की इस टाइम मदद कर रहे हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी जो मैंने अनाउंसमेंट्स की हैं इसमें भी बहुत सारे लोगों का सहयोग है। इतने कम समय में ये तभी सफल सभी संभव हो पाया कि उन कई लोगों ने इसमें मदद की, तभी हम ये टैंकर बैंकॉक से मंगा पा रहे हैं, फ्रांस से ऑक्सीजन के प्लांट्स मंगा पा रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा 3 दिन ऐसे थे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, जब दिल्ली में अस्पतालों में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हो गई थी। यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है, वहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है। मैं भी काफ़ी घबरा गया था कि कहीं कोई दिल्ली के अंदर हादसा ना हो जाए, कि टाइम पे ऑक्सीजन नहीं पहुँची और कई सारे लोगों की मृत्यु ना हो जाए। पूरी पूरी रात जाग के हमने बिताई है। एक 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 फ़ोन कॉल आता था, SMS आता था, मैसेज आता था कि यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है, उसको तुरंत कहीं ना कहीं से इंतजाम करके हम लोग ऑक्सीजन भिजवाते थे। लेकिन उसके बाद से स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। पिछले 2 दिन में आप देखेंगे कि इस किस्म के SOS मैसेजेस अस्पतालों के, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं आ रहे, अभी भी मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। एक दो अस्पताल दिन में उनका आता रहता है कि यहाँ ऑक्सीजन पहुँचने में देरी हो गई, यहाँ ऑक्सीजन। लेकिन जो हालत बृहस्पत, शुक्र और शनि को थी, बिल्कुल पागलपन वाली हालत, ऐसी पिछले 2-3 दिन में अब नहीं है। और इसके लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की टीम्स ने बैठ के, दोनों के अफसरों की टीम्स ने बैठ के बहुत मेहनत की है। कई सारे इश्यूज थे इसके ट्रांसपोर्टेशन को लेके और वो बहुत सारे इश्यूज थे जो सॉर्ट आउट किए गए हैं। मैं केंद्र सरकार के उन सभी अधिकारियों का और केंद्र सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इन कठिन घड़ी में, इस कठिन घड़ी में हम लोगों का सहयोग किया। और आज सुबह केंद्र सरकार ने दिल्ली को, केंद्र सरकार भी इम्पोर्ट कर रही है कई सारे टैंकर्स दिल्ली के लिए। 5 अलग से टैंकर केंद्र सरकार ने हमें दिए हैं, उसके लिए भी मैं केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं।
44, इसमें 8 प्लांट्स केंद्र सरकार लगा रही है। वो कुछ बीच में डीले हो गया था जो भी कारण रहे, लेकिन अब उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक ये शायद 8 प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे। और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है, जिसमें से मैंने बताया जैसे आपको 21 प्लांट्स फ्रांस से आ रहे हैं और बाकी 15 प्लांट्स हमारे देश के हैं। तो 36 ऑक्सीजन के प्लांट्स अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली सरकार लगा रही है। इन 44 प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में जब लगाया जाएगा तो उससे ऑक्सीजन की सप्लाई काफ़ी इम्प्रूव होगी। एक ये देखने में आ रहा है कि ये वाली जो वेव आई है ये ज़्यादा खतरनाक है। एक तो फैल ज़्यादा रही है, बहुत तेज़ी से फैल रही है, और जो लोग बीमार हो रहे हैं वो ज़्यादा सीरियस होते जा रहे हैं। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड आईसीयू के बेड्स की है। मेरे पास जितने फ़ोन आते हैं, सर कहीं से आईसीयू के बेड की इंतज़ाम कर दीजिए, कहीं से आईसीयू के बेड का इंतज़ाम कर दीजिए। और पूरी कोशिश करने के बावजूद इस समय अस्पताल ओवरलोडेड है, हर अस्पताल कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहा है, बेड भरे हुए हैं, आईसीयू बेड्स भरे हुए हैं। तो आईसीयू बेड्स को बहुत बड़े स्तर पे विस्तार कर केंद्र सरकार ने 500 आईसीयू बेड्स हम लोगों को बना के दिए डीआरडीओ के एयरपोर्ट के पास। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो प्लांट जैसे ही बन के तैयार हुए, जैसे ही हमने अनाउंस किया, 3 घंटे के अंदर 500 के 500 बेड भर गए, केवल 3 घंटे के अंदर। इतने सीरियस मरीज घूम रहे हैं जो इलाज ढूंढ रहे हैं। तो अभी हम 500 आईसीयू बेड्स, आज सुबह सुबह मैं मुआयना करके आया हूँ, जीटीबी हॉस्पिटल के सामने एक रामलीला मैदान है, वहाँ पे हम 500 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल के सामने अपना जो मेन रामलीला मैदान है, वहाँ भी हम 500 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। और राधा स्वामी सत्संग में हम 200 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। तो ये 1200 आईसीयू बेड्स गंभीर मरीजों की देखभाल के लिए, ये 1200 आईसीयू बेड्स 10 मई तक बन के तैयार हो जाएंगे। इससे मुझे लगता है कि लोगों को भी बहुत राहत मिलेगी और पूरे सिस्टम को बहुत राहत मिलेगी जो अभी पूरी तरह से स्ट्रेच हो गया है। तो हम लगे हुए हैं, 24 घंटे लगे हुए हैं, सबके साथ मिलके काम कर रहे हैं, सारी सरकारों के साथ, सारे देश में राज्य सरकारों के साथ, केंद्र सरकार के साथ, अलग अलग समाज सेवी संस्थाओं के साथ, उद्योगपतियों के साथ, सबके साथ मिलके काम कर रहे हैं, सबका सहयोग मिल रहा है। और मेरी यही एक उम्मीद है कि अगर हम सब मिलके काम करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम इस पे जीत नहीं पा सकते। नमस्कार।